दो आगे बैठेगा मेरा कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठा हुआ है लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम अपनी कुर्सी पर बैठाए उसे। सामाजिक न्याय ही ना होगा जी कि हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, गरीब जनता सब खड़ा रहेगा, हम ही खड़ा रहेगा। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप का यह अंदाज जरा हटकर है। आप ही देखिए कैसे तेज प्रताप इस व्यक्ति को मंच पर बुलाकर अपनी कुर्सी पर बैठा रहे हैं, सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय तब होगा जब जनता और नेता दोनों साथ खड़े रहें। दरअसल तेज प्रताप रविवार 3 दिसंबर को सहरसा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने मंच से भाषण देते हुए एक व्यक्ति का जिक्र किया और फिर उसे मंच पर बुलाकर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और ये भी दिखा दिया कि जनता के दिल पर कैसे राज करते हैं। बोलता कि आप जब बोलते हैं तो लगता है कि लालू ही बोल रहे हैं। अब भाई उनके पुत्र हैं, हम बोलते हैं तो लालू जी लग रहा है, नहीं तो आप लोग के मन में क्या चल रहा है, हम बोलेंगे तो मोदी जी का आवाज आएगा। यहीं पे एक आदमी हमको मिले अभी इनके यहाँ, बोले कि लालू भगवान है, उनको हम फोटो लगा कर पूजा करते हैं। और हाँ ये थे, हाँ ये बोले कि फोटो लगा के पूजा करते हैं तू ही ना है आवाज ना ऊपर गिर जाएगा यही है आप पहलवान ना है, पहलवान के द्वारा गर्जना चाहिए भाजपाइयों से लड़िया कि नहीं बीजेपी वाली को भगा दे, चलो केंद्र सरकार को घेरिए, केंद्र सरकार को बनाल हो, केंद्र सरकार को घेरना है और गरीब गुरबा को रोजगार देने का काम करना। देखिए बता दें इस दौरान तेज प्रताप ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, केंद्र सरकार को किसानों को मारने वाला बताया, किसान की आत्महत्या और गरीबों की परेशानी से जुड़ी कई बातों पर अपनी बात रखी और इस दौरान एक व्यक्ति को मंच पर बुलाकर ठेठ अंदाज में न सिर्फ बीजेपी के विरुद्ध में आवाज बुलंद करवाया बल्कि उसे अपनी कुर्सी पर बैठा कर गरीबों के मान सम्मान को हमेशा बनाए रखने की नसीहत भी दे डाली। मोदी सरकार क्या बोला, मोदी सरकार केंद्र में जो सुनो किसान जो है वो फांसी लगाया, मजदूर जो है फांसी लगाया वहाँ केंद्र में, और किसान को ठगने का काम किया कि सुनो पहले मेरा बात किसान को मारने का काम किया केंद्र सरकार ने, लेबर को मजदूरा को खत्म करने का काम किया उसको, और वो अपने कुर्सी पर बैठा हुआ है लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम अपनी कुर्सी पर बैठाए उसको। सामाजिक न्याय ही ना होगा जी कि हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, गरीब जनता सब खड़ा रहेगा, हम ही खड़ा रहेगा। तेज प्रताप अपने अनोखे अंदाज को लेकर हमेशा से चर्चाओं का केंद्र बने रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, तेज प्रताप का ये अंदाज फिर से अखबारों की हेडलाइन बन गया है और हर तरफ तेज प्रताप की चर्चा हो रही है। सहरसा से धीरज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।